पठानकोट सेहत विभाग के नशा छुड़ाओ केंद्र से हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। मिली जानकारी मुताबिक जो नशेड़ी नशा छुड़ाओ केंद्र में अपना इलाज करवा रहे हैं उनमें से 48 मरीज ऐसे हैं जिन्हें एड्स की बीमारी एक ही सुई का इंजेक्शन लगाने से हुई है, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। ये बहुत ही हैरान कर देने वाले आंकड़े हैं जो कि सेहत विभाग के लिए चिंता का विषय बना हुआ है और जिला पठानकोट के लिए भी एक चिंता का विषय है। देखिए, आईवी अब्यूजर्स जितने भी होते हैं उनको कहीं ना कहीं ये पता है कि सिरिंजेस शेयर नहीं करी जाती, बिकॉज एक सिरिंज को अगर एक पेशेंट शेयर करता है दूसरे अपने पेशेंट से तो जितने भी वायरल लोड है या जितने भी एचसीवी एचआईवी पॉजिटिव केसेस हैं उसमें वो वायरस का ट्रांसमिट होने का खतरा डबल हो जाता है। इसके लिए हमारी यही अपील रहती है अपने पेशेंट से कि पहली बात तो सिरिंजेस इंजेक्शन लो मत, और अगर आपको इंजेक्ट करना ही है तो एटलीस्ट फ्रेश सिरिंज यूज़ करो, बिकॉज फ्रेश सिरिंज यूज़ करने से एटलीस्ट यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वायरस दैट इज़ एचआईवी एंड एचसीवी वायरस। तो मैम, क्या सिविल हॉस्पिटल में ऐसे केसेस आए हैं और सेंटर में जिसमें मरीज जो है वो एक ही सिरिंज लेके एड्स का शिकार हुए? जी हाँ, बहुत केसेस ऐसे आ रहे हैं। अभी लेटेस्ट केस भी आया है और डेथ भी हुई है एक पेशेंट की जो एचसीवी और एचबीएसएजी पॉजिटिव था, और उसको ये इंजेक्टेबल यूजर्स जो थे आपस में शेयरिंग करके वो वायरल लोड उसमें इतना भर गया था कि अचानक उसकी मौत हो गई। विक्टोरिया स्टेट पठानकोट में खुल गया है डिस्काउंट वेयर हाउस शोरूम, जहां पर आपको मिलेंगे ब्रांड शूज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, होम एंड किचन अप्लायंसेस, वो भी 50% डिस्काउंट पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कम टू डिस्काउंट वेयर हाउस, बेस्ट प्राइस एनीवेयर। डिफेंस रोड, विक्टोरिया स्टेट, पठानकोट।